जल विद्युत परियोजनाएं किसी राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इन परियोजनाओं से न सिर्फ विद्युत उत्पादन किया जाता है बल्कि अन्य अनेक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम ऐसे ही एक जल विद्युत परियोजना पर चर्चा करेंगे जिस पर पाकिस्तान और चाइना ने समझौता किया है। प्रायोगिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह परियोजना भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत चीन सीमा विवादों के इस दौर में पाकिस्तान ने चीन के साथ पाक अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले में 700 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना पर समझौता किया है। आजाद पट्टन नाम की यह परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना से ऊपर की ओर महाल, कोहाला और चकोथी हट्टियन परियोजनाएं अवस्थित हैं, जबकि नीचे की ओर करोट परियोजना अवस्थित है। आपको बता दें कि कोहाल परियोजना के बाद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आजाद पट्टनम परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निर्मित की जाएगी। कोहाला परियोजना CPEC के तहत पाकिस्तान चीन के बीच विकसित की जाने वाली पहली परियोजना थी। 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना पर दोनों देशों के बीच 20 जून 2020 को हस्ताक्षर हुआ था। यह परियोजना 2.3 अरब डॉलर की लागत से मुजफ्फराबाद के निकट झेलम नदी पर विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट या EPC समझौते के अनुसार यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसमें घाटी के प्रवाहित जल को बाधित करते हुए जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि EPC विनिर्माण उद्योग में कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीमेंट का प्रमुख रूप है, जिसमें इंजीनियर और ठेकेदार परियोजना के डिजाइन को पूरा करते हैं और परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों को खरीदते हैं। अब आइए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना की रूपरेखा को समझते हैं। इस परियोजना से बनने वाला जलाशय मुस्लिमाबाद गाँव के पास आजाद पट्टन पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुधौटी जिले में होगा। 90 मीटर ऊंचे इस बांध से 3.8 वर्ग किलोमीटर का जलाशय निर्मित होगा, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को 2016 में PUK सरकार द्वारा निजी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के माध्यम से दी गई थी, जो कि बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए साल 1994 में पाक सरकार द्वारा बनाई गई एकल खिड़की सुविधा है। वर्तमान परिदृश्य में सामरिक तौर पर यह परियोजना भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान ने समझौते को तब अंजाम दिया है जब भारत चीन विवाद जोरों पर है, और भारत हमेशा से ही PUK में पाकिस्तान की आर्थिक, सामरिक या किसी प्रकार की गतिविधियों का विरोध करता आ रहा है। ऐसे में यह परियोजना भी भारत के विरोध का सामना कर सकती है। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।